आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। एक पैराग्राफ दिया है और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा है और उसको आंसर करना है। तो पैराग्राफ कहता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। टू टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन आर देयर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। व्हेन रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज हैज द एबिलिटी टू फुल्ली रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल फैशन। When the resources are limited, growth curve shows an initial slow rate and then it accelerates and finally slows, giving the growth curve which is sigmoid. तो ग्रोथ मॉडल के ऊपर दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स दिए हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ, और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है। Identify the correct equation that represent exponential growth curve. तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसका इक्वेशन इन चार ऑप्शंस में से क्या है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि चेंज हुए हैं, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं dn by dt अगर हमको ग्रोथ निकालना है। और ये जो वैल्यू है ये अफेक्टेड होती है बर्थ रेट से और डेथ रेट से और इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न तब होता है जब जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड हों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज सच एज फूड और शेल्टर। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। और ये जो कांस्टेंट है b माइनस d, इसको हम कहते हैं r, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और इसी को कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल उस पॉपुलेशन का। अगर इसी इक्वेशन को हम अगर जो एक डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसको ही इंटीग्रेट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dn by n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ r dt। हमने बस किया ये कि जो n इधर है उसको डिनोमिनेटर में LHS में ले गए और जो dt है उसको RHS में ले आए। अगर इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करें तो ये जो है वो इक्वेट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n t डिवाइड बाई एन नॉट, यानी पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t डिवाइड बाई इनिशियल पॉपुलेशन, और ये इक्वल होगा r t के। अगर इसी को आगे सॉल्व करें तो n t इज इक्वल्स टू एन नॉट r t, और क्योंकि हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग हटा दिया है तो ये जो पूरा टर्म है ये एज पावर है एक्सपोनेंट का। तो अगर इसी को यहाँ पे दोबारा लिखें तो एन टी दैट इज पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम ये इक्वल होगा एन नॉट ई रेस टू द पावर आर टी, जहाँ पे टी का मतलब टाइम और एन टी का मतलब पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम है, और जो ई है ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.72 अप्रॉक्स। तो हम कह सकते हैं इन ऑप्शंस में से कि दोनों ऑप्शन सही हैं, दैट इज फर्स्ट और थर्ड, जहाँ पे आई जो है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है और जो ये इक्वेशन है ये परफेक्टली मैच करता है जो हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है इसको। तो बोथ बी एंड ए एंड सी आर करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।